नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों अभी अभी एग्जाम से आप फ्री हो पाए थे, 2 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक आपने एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम दिया और अब समय समाप्त हुआ और आंसर की आज एसएससी के द्वारा जारी कर दी गई है। आंसर की मेरे सामने है जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और इस आंसर की में सारी बातें यहाँ पर मेंशन है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, आज ही के दिन 14 तारीख को इसको जारी कर दिया गया, आपके सामने मेंशनड है। अपलोडिंग ऑफ टेंटेटिव आंसर कीज अलॉन्ग विद कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट्स ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन ssc.nic.in। मैं आपको बता देता हूं, ssc.nic.in की वेबसाइट पर आप जाइए, आपको सबसे ऊपर नोटिफिकेशन में ये बात लिखी हुई मिल जाएगी, देन वहां पर क्लिक करिए और आपकी आंसर की अपने लिए ओपन हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, जो भी आपने रिस्पॉन्सेस दिए हैं, जो भी आपने क्वेश्चंस पर टिक लगाया है, वो वहां पर मिल जाएगा कि आपने क्या रिस्पॉन्स दिया है और इसका सही आंसर क्या है, जिससे आप कंप्लीट चेक कर सकते हैं कि आपने कितने आंसर्स यहां पर सही किए हैं। तो दोस्तों अब इस आंसर की के बाद बात आती है कट ऑफ की। तो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, जो भी जनरल की कट ऑफ की बारे में एक बात चल रही है अनरिजर्व्ड, क्योंकि इसी की बात मैं कर सकता हूं, बाकी सबकी तो बात नहीं कर सकता। जनरल की जो कट ऑफ है, जो सिलेक्शन के हिसाब से देखी जा रही है, तो अगेन मैं यहां पर बहुत से बच्चों की बात आई है, बहुत से बच्चों ने अपने रिस्पॉन्सेज बताए हैं, उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग मैं यहां पर बता रहा हूं कि जो ये 280+ है, 280+ ध्यान रखिएगा, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ की बात करूं तो 280+ ध्यान रखिएगा, 280 से ज्यादा जिनके भी अटेम्प्ट हैं या जो उनके भी सही आंसर्स हैं, वो सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं कि यहां पर कोई ना कोई एसएससी की एक जॉब आपको जरूर मिल जाएगी। हाई ग्रेड पे की तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो लो ग्रेड पे है 2800 का, उसकी ये आपको जॉब जरूर मिल जाएगी इस कट ऑफ पर अगर आप हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो लोग इस कट ऑफ में नहीं है, ठीक है, उदास होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए क्या होता है, जब आप एक रास्ते पर चल रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ असफलताएं भी आती हैं और कुछ मुश्किलें भी आती हैं, तो उन असफलताओं से आपको घबराना नहीं है, मुश्किलों से आपको घबराना नहीं है। तो अगेन आप अभी से लग जाइए। बेसिकली याद रखिएगा, जो लोग छोड़ देते हैं ना रास्ता, वो सबसे बेकार माना जाता है। जो लोग गिवअप कर देते हैं, गिवअप नहीं करना है। अगर कुछ मार्क्स से आपका ये वाला एसएससी रुक गया है तो कोई बात नहीं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने 2023-24 का कैलेंडर जारी कर दिया है। लग जाइए एसएससी सीजीएल 2023 की तैयारी में, और एसएससी सीजीएल 2023 का एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर जो एसएससी के द्वारा जारी किया गया है, 9 मई 2023 को इसका नोटिफिकेशन आएगा, और अगेन 8 जून 2023 इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की, और जुलाई अगस्त में इसका एग्जाम होने की पूरी संभावना है। यह है कंबाइंड हायर सेकेंडरी और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन 1 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा, यानी कि मार्च कंप्लीट होने ही वाला है, बहुत ही कम समय है नोटिफिकेशन आने में, और 1 मई जिसकी लास्ट डेट होगी, और जून जुलाई 2023 में इसके एग्जाम हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी घबराने वाली जरूरत यहां पर नहीं है। जो इस कट ऑफ में नहीं आ पा रहे हैं, जिनको लगता है कि इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो दोस्तों अभी से लग जाइए एसएससी 2023-24 की तैयारी के लिए। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि गिरते हैं घुड़सवारे ही मैदाने जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो जिन्होंने मेहनत करी है, जिन्होंने तैयारी करी है, असफलता भी उनको ही मिलती है और उदासी भी उनको ही मिलती है, लेकिन असफलता के बाद का जो मजा सफलता में आता है ना, वो मजा अलग ही होता है, और वो मजा, वो सफलता सिर्फ आप ही फील कर पाएंगे। तो लगे रहिए, क्योंकि ये 2023 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर क्या है, चुनाव भी होने हैं। तो लग जाइए अभी से इन सारी के सारे एग्जाम्स में, ठीक है। और जिसके लिए राइस स्मार्ट ने क्या किया है, कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच भी लॉन्च कर दिया है। राइस स्मार्ट ऐप पे आपको जाना है, बेसिकली ये क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिएगा, जिससे आप राइस स्मार्ट की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद यहां पर आपको कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन का एक बैच मिल जाएगा। नंबर ऑफ फैकल्टीज ने, जो कि काफी साल का अनुभव रखती हैं, उन्होंने इस बैच को डिजाइन किया है। डेली 3 घंटे की लाइव क्लास आपको इस बैच में मिलेगी। स्टडी मटेरियल कुछ भी बाहर से परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ठीक है। नंबर ऑफ फैकल्टीज ने आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए इस स्टडी मटेरियल को तैयार किया है। डेली क्लास टेस्ट आपको यहां पर मिलने वाले हैं, वीकली असेसमेंट टेस्ट भी आपको यहां पर मिलने वाला है,
मंथली एग्जाम बेस्ड टेस्ट भी आपको मिलेगा, सेमेस्टर टेस्ट भी मिलेंगे, और जो भी आपके डाउट्स होंगे इस क्लासेस में उनके लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस भी दिए जाएंगे, जेनरिक टॉपिक वीडियोस, जो नंबर ऑफ टर्म्स आपके एग्जाम जब पढ़ाया जा रहा होता है बीच बीच में आते रहते हैं, कई बार क्या होता है कई एक जो चैप्टर्स होते हैं उसमें वो वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उन पर जेनरिक टॉपिक वीडियोस पहले ही आपको दे दिए जाएंगे। तो अब सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा यस राइस स्मार्ट हिंदी ऐप के साथ। तो अगेन एसएससी और इसके लिए अभी डिस्काउंट चल रहा है, उस डिस्काउंट के लिए ये मेरा कोड है AA500, इसको लगा दीजिएगा, इस कोड के साथ आपको एक अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट इस समय दिया जा रहा होगा, ठीक है। तो अगेन जिन लोगों का भी सिलेक्शन या 280 के ऊपर है, घबराइएगा मत, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई ना कोई जॉब आपको मिल जाएगी। जिनका नहीं हुआ है कोई बात नहीं है, ठीक है, 2023 की एसएससी सीजल की तैयारी में लग जाइएगा। जिनका हो गया है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, बहुत अच्छे से आज का दिन आपका है, आराम से इंजॉय करिए, ठीक है, लेकिन अभी भी लगे रहिए, अभी ये सफलता की पहली सीढ़ी है, सफलता की पहली मंजिल है, अभी बहुत आगे और मंजिलें आपको तय करनी है, ये कोई आखिरी मंजिल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये पहला स्टेप है सीढ़ी का, इस पर चढ़िए और इसके आगे भी आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। आप राइस स्मार्ट हमेशा आपके साथ में है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप 2023 की तैयारी में लग जाइए। बस एक बात याद रखिएगा, कभी भी गिव अप मत करिएगा, क्योंकि जब आप गिव अप कर देते हैं ना, तो बस ऐसा कहा जाता है ना कि पीछे लौटने पर भी उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में लगेगी। तो इसी शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं कुछ और बातें बताते हुए, ठीक है, थैंक यू।